इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म फार अवे के बारे में, जो कहानी है जेनाब नाम की औरत की, जिसे पता चला कि उसे विरासत में एक घर मिला है और अपने देश से दूर उस घर तक जाने में उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। जेनाब एक क्रोएशियन टर्किश औरत है जो अपने पति इलियास, अपने पिता और अपनी बेटी फिया के साथ जर्मनी में रहती है। जेनाब अपने घर का हर काम खुद करती है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिन पहले ही जेनाब की माँ की मौत हुई थी और पूरा परिवार फ्यूनरल में जाने की तैयारी कर रहा था, पर इस मुश्किल वक्त में भी कोई भी जेनाब को सपोर्ट नहीं कर रहा था। फ्यूनरल से पहले जेनाब को बताया गया कि उसकी माँ ने उसके लिए एक डायरी छोड़ी थी, पर उस डायरी में सिर्फ क्रोएशियन भाषा में चीजें लिखी थी, इसलिए जेनाब को कुछ समझ नहीं आया। घंटों तक भाषा समझने की कोशिश के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ ने क्रोएशिया में एक घर खरीदा था। ये बात जेनाब के पिता भी नहीं जानते थे, इसलिए वो नाराज हो गए, पर जेनाब ने समझाया कि उन्होंने घर खुद के पैसों से खरीदा था और उन्होंने ये घर जेनाब के नाम कर दिया था। उसके पिता अपनी ही पत्नी के बारे में बुरा भला कहने लगे और कुछ वक्त बाद जेनाब को एहसास हुआ कि इस घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। फ्यूनरल के दौरान भी उसके पिता बुरा भला कह रहे थे और जेनाब की परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि उसने अपनी स्पीच इलियास को दी थी और इलियास फ्यूनरल के लिए आया ही नहीं। जब जेनाब को स्पीच देने के लिए कहा गया तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और रोते हुए वो वहाँ से भाग निकली। जब जेनाब इलियास को ढूंढने उसके रेस्टोरेंट में गई तो उसे पता चला कि वो अपनी असिस्टेंट नोरा के साथ हंसी खुशी वक्त बिता रहा है। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इलियास कहने लगा कि नोरा का पहला दिन है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था, और यही बात कहने के लिए नोरा भी उसके पास आ गई। जेनाब का दिल टूट गया क्योंकि उसके पति के लिए अपनी पत्नी से ज्यादा किसी नई शेफ को संभालना जरूरी था, और उस दिन जेनाब ने फैसला किया कि वो ये सब कुछ और नहीं सहेगी। उसी वक्त उसने क्रोएशिया जाने का फैसला कर लिया और उस परिवार को छोड़कर चली गई जिस परिवार में उसकी अहमियत नहीं। वो विरासत में मिले उस घर तक का सफर तय करने लगी जो उसकी माँ का हुआ करता था। जैसे ही वो समंदर के पास पहुँची, उसे अपनी गाड़ी वही छोड़नी पड़ी और फेरी में सफर करके वो एक खूबसूरत और बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ी। क्रोएशियन आइलैंड पहुँचकर वो एक बस में गई, पर बीच रास्ते में ही बस खराब हो गई और आगे का सफर उसे पैदल तय करना पड़ा। घंटों तक अंधेरे में पैदल चलने के बाद आखिरकार वो उस घर तक पहुंची और अंदर जाते ही वो सो गई। सुबह होते ही उसे पता चला कि पूरी रात कोई अनजान आदमी उसके पास सो रहा था, और जोसेफ नाम के उस आदमी से पूछने पर उसने बताया कि पिछले 45 सालों से वो इसी घर में रह रहा है। जेनाब ने बताया कि ये घर उसकी माँ का है। इस बात का सबूत देखने के बाद जोसेफ ने बताया कि वो इसी घर में पैदा हुआ था, पर 15 साल पहले उसके परिवार को ये घर बेचना पड़ा, और घर खरीदने के बाद जेनाब की माँ ने जोसेफ को इसी घर में रहने की इजाज़त दी। जोसेफ उस घर से निकलने के लिए तैयार तो हो गया, पर जब जेनाब ने बताया कि वो ये घर बेचना चाहती है तो जोसेफ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब वो घर जेनाब का हो चुका था, इसलिए वो घर की साफ सफाई करने की कोशिश में लग गई, पर ये उसके लिए आसान नहीं था। उस घर की बिजली भी चली गई और जोसेफ घर के बाहर ही एक टेंट लगाकर वहाँ रहने लगा। उसने जेनाब से कह दिया कि उसने सिर्फ अपना घर बेचा है, पर आधी जमीन अब भी उसकी है। शहर में रहने वाली जेनाब को अब इस आइलैंड का रहन सहन सीखना पड़ रहा था, पर इन तकलीफों के बीच उस आइलैंड की खूबसूरती उसे बेहतर महसूस करा रही थी। वो कुछ देर के लिए टहलने के लिए निकली और भेड़ बकरियों से बचते बचाते वो आइलैंड के बाजार तक पहुंची। उसने एक गैराज से साइकिल खरीदी और जब वो कपड़े खरीदने गई तो उसे पता चला कि वो दुकान जोसेफ की है। जोसेफ फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा और उन दोनों की बहस हो गई। इलियास जेनाब से बात करने की कोशिश करता रहा, पर जेनाब ने उससे कोई बात नहीं की, और इस बारे में सोचते हुए उसे फिर से जोसेफ का सामना करना पड़ा। जेनाब ने कॉनराड नाम के एक आदमी को बुलाया था जो उस घर को खरीदने के लिए क्लाइंट ढूंढने वाला है। कॉनराड ने बताया कि जोसेफ इस आइलैंड पर हर जगह काम करता है और कुछ लोग उसे पागल भी समझते हैं, पर आइलैंड में रहने वाला हर इंसान उसे पसंद करता है। सिर्फ कॉनराड और जेनाब को वो पसंद नहीं था। बातें करते हुए जेनाब ने ज्यादा शराब पी ली और घर लौटते हुए वो बीच सड़क पर गिर गई। ठीक उस वक्त जोसेफ वहाँ आया और जेनाब की मदद करने लगा। किसी तरह वो उसे उठाने में कामयाब हुआ, पर उसकी हालत की वजह से जोसेफ को उसे कंधे पर उठाकर घर तक ले जाना पड़ा। जोसेफ का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था, और एक तरफ जहाँ वो उसकी मदद कर रहा था तो दूसरी तरफ वो जेनाब को परेशान करने के तरीके भी ढूंढ रहा था। लड़ते झगड़ते उन दोनों की बातें शुरू हुई और जोसेफ ने बताया कि जेनाब की माँ का जन्म भी इस आइलैंड पर हुआ था, पर उसे याद नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ था। जोसेफ ने उसे समझाया कि ये घर जेनाब के नाम इसलिए किया गया है कि वो यहाँ रह सके, इसलिए उसे घर के लिए किसी और को ढूंढना नहीं चाहिए। इस बात पर फिर से उनकी लड़ाई हो गई और गुस्से में जेनाब घर से दूर चली गई। कुछ देर बाद फिया का कॉल आया और जेनाब ये सोचकर खुश हुई कि उसकी बेटी उसे घर बुला रही है, पर फिया को सिर्फ उस गाड़ी की जरूरत थी जिसे लेकर जेनाब घर से निकली थी। दूसरी ओर कॉनराड जेनाब से मिलने आया और उसने जोसेफ को बताया कि उसे कुछ लोग मिले हैं जो उस घर को महंगे दाम में खरीदना चाहते हैं।
जोसेफ ने उसकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि वो किसी भी तरह इस घर को बचाना चाहता था। जब ज़ेनब घर लौट कर आई तो उसे जोसेफ कहीं नजर नहीं आया और तब उसे बदला लेने का मौका मिल गया। पर कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसने जो कपड़ा जलाया था वो जोसेफ का नहीं उसके चाचा का था, जिन्हें सिर्फ क्रोएशियन भाषा समझ आती है। जोसेफ अपने चाचा के जरिए उसे ये समझाने लगा कि हर घर की एक आत्मा होती है और इस खूबसूरत घर को बदलकर वो उस आत्मा को मार रही है। जोसेफ के चाचा को कोई बात तो समझ नहीं आई, पर उन्होंने जोसेफ से कहा कि इस बार जोसेफ को इस लड़की को संभाल कर रखना होगा और अपने भाई से दूर रखना होगा। उस शाम ज़ेनब ने उस आइलैंड का एक ऐसा रूप देखा जिसे देखकर उसकी सोच बदलने लगी और वो जोसेफ और उसके रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने लगी। जल्द ही जोसेफ और उसकी दोस्ती हो गई और जोसेफ के चाचा को लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ज़ेनब अपनी माँ के अतीत के बारे में जानना चाहती थी और ये बात जोसेफ समझ गया। अगले दिन वो ज़ेनब को अपने साथ समंदर की सैर पर ले गया और तब उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे जोसेफ के भाई के लिए छोड़ दिया था और कुछ सालों बाद उन दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ज़ेनब ने भी अपने परिवार के बारे में उसे बताया और कहा कि वो ये भी नहीं जानती कि वो अब इलियास से प्यार करती है या नहीं। अचानक कॉनराड का कॉल आया और ज़ेनब को पता चला कि जोसेफ ने कॉनराड की बात उस तक पहुंचाई नहीं और ये जानकर वो फिर से नाराज हो गई। ज़ेनब ने इलियास को एक और मौका देने के बारे में सोचा और उसे बताया कि क्रोएशिया में मौजूद घर को बेचकर वो लोग एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, पर इलियास ने कह दिया कि ज़ेनब के जाने के बाद उसने नोरा के साथ अपना रिश्ता शुरू कर दिया और अब ज़ेनब को क्रोएशिया में ही रहना चाहिए। इस बात ने ज़ेनब का दिल तोड़ दिया और वो वहाँ से दूर जाने की कोशिश करने लगी। कई दिनों तक वो अपने घर में अकेली रही और उसने जोसेफ से भी बात नहीं की, पर जोसेफ ने कोशिश करना बंद नहीं किया। एक दिन कॉनराड उससे मिलने आया और तब ज़ेनब घर से बाहर निकली। घर बेचने की बात को लेकर जोसेफ और कॉनराड के बीच बहस होने लगी, पर अचानक ज़ेनब घर की दीवार तोड़ने लगी ताकि उसके घर में रोशनी आए। ज़ेनब ने अब आजाद होने का फैसला कर लिया और उसी आइलैंड पर खुशी से रहने लगी। वो अपनी आजादी का जश्न मनाने लगी और कॉनराड उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। उन दोनों को साथ देखकर जोसेफ ने कहा कि एक 12 साल का लड़का एक बूढ़ी के साथ रहना चाहता है और जोसेफ की बात सुनकर ज़ेनब वहाँ से चली गई। वो जोसेफ को एक छोटी सोच वाला आदमी कहने लगी और तब जोसेफ ने कहा कि वो उसे कुछ देना चाहता है। जोसेफ ने ज़ेनब की माँ की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि ज़ेनब उनके बारे में जान पाए। इतना ही नहीं, वो उसे उनके घर ले गया जहाँ उनका जन्म हुआ था। जोसेफ अपने घर और अपनी जमीन को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया ताकि ज़ेनब उस घर को बेच सके और पूरी रात ज़ेनब डायरी पढ़ती रही। वो अगली सुबह उन जगहों पर गई जहाँ उसकी माँ जाया करती थी और इस तरह वो उनके अतीत को खुद भी जीने लगी। ज़ेनब की माँ चाहती थी कि ज़ेनब जिंदगी में आज़ादी से जिए, इसलिए उन्होंने क्रोएशिया में घर खरीदा था और ये जानकर उसे बेहतर महसूस होने लगा और खुशी खुशी वो अपने घर लौट आई। उस दिन जोसेफ से मिलने एक अनजान आदमी आया जिसे देख कर जोसेफ घर के अंदर चला गया और छुप गया। वो आदमी जोसेफ का भाई द्राजन था और वही इस घर को खरीदना चाहता था। ये बात जब जोसेफ को पता चली तो वो अपना सामान पैक करने लगा। उसने ज़ेनब से कहा कि वो उस घर में नहीं रहना चाहता जिस घर में द्राजन रहता हूँ, पर फिर उसे पता चला कि ज़ेनब ने घर बेचने से इनकार कर दिया। जोसेफ को ये सुनकर राहत मिली और उसने बताया कि उसकी पत्नी और भाई दोनों जिंदा है, पर वो दुनिया को यही बताता है कि वो उसके लिए मर चुके हैं। वो बस हर बार उनके मरने का तरीका बदलता है। ज़ेनब को एहसास हुआ कि वो जोसेफ से प्यार करने लगी है और जोसेफ भी उससे प्यार करने लगा था, पर उन दोनों के प्यार के बीच जोसेफ की बकरी आ रही थी। उसी रात उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ और वो दोनों उसी घर में साथ रहने लगे, पर एक दिन फिया वहाँ आ पहुँची और उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिया अपनी माँ को बुरा भला कहने लगी, पर उसे समझाते हुए ज़ेनब ने कहा कि वो जिंदगी में पहली बार खुश हो पाई है और उसने अपने आप को खुश रहने की इजाज़त तभी दी जब उसे इलियास के अफेयर के बारे में पता चला। फिया ज़ेनब से सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी और अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। जोसेफ समझ गया कि उसे अब कहीं और रहना होगा और वो अपने कजिन के घर जाने के लिए राजी हो गया। दूसरी ओर फिया के सामने कॉनराड आया और कॉनराड को लगने लगा कि उसे एक नया प्यार मिल गया है, पर अगली सुबह फिया ने ज़ेनब को बताया कि वो एक लड़की से प्यार करती है और ये सुनकर ज़ेनब हंसने लगी। अचानक उस घर में इलियास आ गया क्योंकि फिया ने उसे जोसेफ के बारे में बता दिया था। जोसेफ ने कोई पलटवार नहीं किया, पर जब उसके सामने द्राजन आया तो वो द्राजन को पीटने लगा। देखते ही देखते कॉनराड भी उस लड़ाई में शामिल हो गया और वहाँ मौजूद हर मर्द एक दूसरे से हाथापाई करने लगा। उन सबको रोक कर ज़ेनब ने कह दिया कि उन सबको अगली ही सुबह उस घर से दूर जाना होगा और उसने इलियास को हमेशा के लिए छोड़ दिया।
वो फिया को लेकर समंदर की सैर पर चली गई और सारे मर्द उस घर में साथ रहकर जैनाब का इंतजार करने लगे। जब वो घर लौट कर आई तो इलियास उसे मनाने की कोशिश करने लगा, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। वहाँ मौजूद हर इंसान ने एक परिवार की तरह वो शाम साथ बिताई और तब जैनाब ने वो स्पीच दी जो वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर देना चाहती थी। कुछ देर बाद वो सारे लोग एक साथ नाचने गाने लगे, पर जोसेफ की परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अब उसे उस घर से दूर जाना होगा। वो बिना कुछ कहे उस घर से दूर जाने लगा और एक आखिरी बार जैनाब ने इलियास को अलविदा कहा। घर के अंदर आने पर जैनाब को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी जोसेफ के साथ बिताना चाहती है। बिना वक्त गवाए वो जोसेफ को रोकने निकल पड़ी और इस तरह उसे और जोसेफ को वो प्यार मिल गया जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।